हेलो नमस्कार एवरीवन, वेलकम टू आवर हाउस ऑफ कलाकार पेज। गाइस, लास्ट टाइम वीडियो में मैंने आपको सबको बताया था जो केवीएस आर्ट एजुकेशन 2023 के लिए केवीएस की वेबसाइट पे जो सिलेबस है उसके ऊपर हमने बिल्कुल डिटेल स्टडी की थी। उसके बाद मैंने आपको आर्ट एजुकेशन का जो सब्जेक्टिव पेपर है उसके ऊपर भी मैंने आपको बहुत डिस्क्रिप्टिव वीडियोस बनाकर अपलोड किए थे और आई होप आप लोगों को वो पसंद आए होंगे। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन लिंक में उसका मैंने लिंक दे रखा है, आप वहां से जाके उसको गो थ्रू कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं पिछले साल जो भी पिछली बार केवीएस में जो पेपर आया था आर्ट एजुकेशन का, 2018 में ये एग्जाम हुआ था गाइस, आपको पता होगा। और अब ये पेपर हो रहा है, इसमें बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं ऑलरेडी सिलेबस एंड ऑल में। सो हम आर्ट एजुकेशन का जो सिलेबस था हमारा वो सेम है, हम उसी के ऊपर स्टडी कर रहे हैं, उसी की स्ट्रेटेजीज हम बनाएंगे। बट उसके लिए जरूरी है कि आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स को बहुत अच्छे से समझें, उनका पैटर्न समझें, और हम ऐसे दो तीन ईयर्स के, टू थ्री ईयर्स के पेपर्स हम सॉल्व करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि उससे आपको भी बहुत हेल्प मिलेगी अपनी एक स्ट्रेटेजी बनाने में, ये समझने में कि कौन से सेक्शन से कितने सवाल केवीएस के पेपर में हम देख सकते हैं। सो लेट्स गो। सो गाइस, यहाँ हम बात कर रहे हैं केवीएस टीजीटी आर्ट एजुकेशन के सॉल्व पेपर्स की। ये जो आखिरी एग्जाम था हमारा 2018 में हुआ था, हम उसी पेपर की बात कर रहे हैं गाइस। आप देख सकते हैं पहला सवाल है, किस मुगल शहंशाह ने पहली बार शाही चित्र कार्यशाला की स्थापना की? बाबर, जहांगीर, अकबर व शाहजहां। गाइस, हम सबको पता है कि अकबर काल में ही जो आर्ट फॉर्म्स थे, जितनी भी हमारी कलाएं थी, उनको आधार दिया था अकबर ने, उसी में वो फली फूली थी। तो ये अकबर कालीन है, शाही चित्र कार्यशाला जो बनाई थी अकबर में वो बनाई थी फतेहपुर सीकरी में। गाइस, ये मुगल शैली की जो नींव है वो भी अकबर ने ही रखी थी। चित्र इसकी विशेषताएं जो होती थी, अकबर कालीन चित्रों की जो विशेषताएं होती थी वो दरबार कालीन चित्र होते थे। और इस समय पे रूप निर्माण भी किया गया, चित्रों मतलब पोर्ट्रेट्स जो हैं वो इसी काल से बनने शुरू हुए। सेकंड है हमारा, भारतीय पुरातत्व का जनक व पिता किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो सर गाइज, ये होगा सर अलेक्जेंडर कनिंघम। इनका जो जन्म है 1814 ईस्वी में हुआ था लंदन में, और मृत्यु इनकी हुई थी 1893 में। ये भारतीय पुरातत्व विभाग की जो स्थापना है वो हुई थी 1816 में, और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। प्राचीन भारतीय चित्र के षडंग में वर्ण के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग हुआ है? गाइज, वर्ण यहाँ पर है तो हम कह सकते हैं वर्णिका भंग, लावण्य योजना सादृश्य प्रमाण, इनके मतलब दूसरे होते हैं। वर्णिका भंग का मतलब वर्ण से रिलेटेड ही है। नाना वर्ण की सम्मिलित भंगिमा को ही वर्णिका भंग कहते हैं। शुद्ध वर्ण इसके अंदर षडंग में पांच बताए गए हैं। प्राइमरी कलर्स, जैसे कि हम सब जानते हैं प्राथमिक रंग तीन तरह के होते हैं, रेड, येलो और ब्लू। यहाँ पर व्हाइट और ब्लैक को भी इन्वॉल्व किया गया है। अरुण शब्द का यूज किया है लाल रंग के लिए। फिर क्वेश्चन है, धोलावीरा एक पुरातात्विक स्थल किस समय काल अवधि से संबंधित रखता है? धौलावीरा, गाइज ये आप सिलेबस अगर उठाकर देखेंगे तो आपको आराम से मिलेगा, वहां पर आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है गाइज, आप यहाँ देख सकते हैं सिलेबस में, धौलावीरा हमारी सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेट कर रही है। सिंधु घाटी सभ्यता की जो खोज है गाइज वो 1969 में हुई थी, आर एस विष्ट ने ये की थी। धौलावीरा कच्छ के रण गुजरात में मनहर नदी के तट पे स्थित है। के हैबर द्वारा रचित एक समकालीन आधुनिक भारतीय चित्र का शीर्षक है। गाइज ये भी हमारे सिलेबस से लिया हुआ, आप ध्यान दीजिए, मैंने जो लास्ट वीडियो में आपको सिलेबस बताया था आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। उसके अंदर सब कुछ सिलेबस के अंदर ऑलरेडी मेंशन है कि जो बर्थ ऑफ पोएट्री करके एक पेंटिंग थी वो कृति किसकी थी, के हैबर की थी। वहां पर हमने अच्छे से डिस्कस किया था, आप चाहें तो उसे वापस वहां पे देख सकते हैं, वो नोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइज, आप देख सकते हैं। उसमें से इतने सारे अभी क्वेश्चन और आएंगे, मैं आपको बताऊंगी। सो ये कंटिग्री कृष्ण हैबर, इनका पूरा नाम है के हैबर का। 1912 में इनका जन्म हुआ था, कर्नाटक के कंटिग्री गांव में इनका जन्म हुआ था। प्रसिद्ध समकालीन भारतीय मूर्तिशिल्प गणेश की रचना किसके द्वारा की गई? अगेन गाइज मैं आपको बताऊंगी, ये भी आपके सिलेबस से लिया हुआ टॉपिक है, और एग्जैक्ट जैसा सिलेबस में लिखा था कि जो गणेश की रचना है मूर्तिशिल्प की, जो स्कल्पचर सेक्शन में था, वो हमारा पीवी जानकी राम। और मैंने वहां भी बताया था यह मूर्ति 1970 में बनी थी, ऑक्सीकृत
कॉपर में बनी थी ये, ऑक्सीडाइज कॉपर में, और यह जो रखी हुई है एनजीएमए मतलब नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, नई दिल्ली में रखी हुई है। ये जो इंस्पिरेशन है दक्षिण भारत के मंदिरों की जो मूर्ति शिल्प थे, जो मूर्ति कला थी, उससे प्रभावित होकर जानकी राम ने गणेश मूर्ति शिल्प की रचना की। एलिफेंटा गुफा मंदिर कहाँ स्थित है? गाइज एलिफेंटा ये भी हमारे सिलेबस में मेंशन किया हुआ है, आप अच्छे से देखिएगा, मैंने प्रीवियस वीडियो में ये मेंशन किया है। एलिफेंटा गुफा महाराष्ट्र में स्थित है, मुंबई से 10 किलोमीटर दूर गेटवे ऑफ इंडिया के टापू पर, एक छोटे से टापू पर एलिफेंटा गुफा स्थित है। पर्वतों को काटकर ये गुफा बनाई गई है, रायगढ़ रियासत में आती है। वास्तविक नाम इसका धारापुरी है, पर वहां के लोकल लोगों ने, वहां पे एक एलिफेंट है बहुत बड़ा, तो उसकी शेप की वजह से उन्होंने इसको एलिफेंटा गुफा नाम दे दिया था। पर इसका जो एक्चुअल नाम है वो धारापुरी है, आप कंफ्यूज मत हुएगा। धारापुरी अगर पूछा जाए कि कहाँ है तो वो है महाराष्ट्र में। एलोरा स्थित कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? गाइज ये भी हमारे सिलेबस में एग्जैक्टली मेंशन है, जो रावण द्वारा कैलाश पर्वत हिलाते हुए जो एक चित्र दिया गया है, या जो मतलब वो शिल्प जो दिया गया है उसके अंदर एलोरा बताया गया है। और वहां पे मैंने बताया कि राष्ट्रकूटों द्वारा इसका निर्माण किया गया है। जो शासक थे राष्ट्रकूट के, प्रथम कृष्ण प्रथम, उनके द्वारा कैलाश मंदिर का जो निर्माण किया गया है, मतलब वो एलोरा जितना बड़ा है उसमें अलग अलग वक्त में अलग अलग मंदिरों की स्थापना की गई थी। इसमें तीन तरह के हिंदू बौद्ध और जैन मंदिरों की स्थापना की गई है, और अलग अलग समय काल पे की गई है। तो जो हमारा कैलाश मंदिर है वो हिंदू धर्म से रिलेटेड है, ब्राह्मण धर्म से रिलेटेड है, वो शासक कृष्ण प्रथम जब हुए थे उनके समय में ये किया गया था। एलोरा की गुफा संख्या 16 में कैलाश मंदिर स्थापित है, और एकाश में शैल उत्कीर्ण मंदिर मंदिर है। ये पूरे एक ही पहाड़ को काटकर ऊपर से नीचे की ओर तराश कर इस मंदिर को बनाया गया है। इसके मध्य में ध्वजा स्तंभ, गाइस इसके मंदिर के आप एंटर जैसे ही करेंगे, आई हैव विजिटेड इट, ये बहुत ही खूबसूरत जगह है, आपको मौका मिला आप बिल्कुल देखिएगा इसे। उसके सेंटर में जाते एक बहुत ही विशाल सा स्तंभ है जिसे हम ध्वजा स्तंभ कहते हैं, और ये रावण द्वारा कैलाश पर्वत हिलाते हुए, अगर ये टॉपिक भी अगर आपके इसमें आता है तो ये भी हमारे एलोरा स्थित कैलाश मंदिर से लिया गया है। भारतीय लघु चित्र शैली की परंपरा कब अधिक फली फूली? भारतीय लघु चित्र शैली की परंपरा कब अधिक फली फूली? तो गाइज ये होगा 9वीं से 19वीं शती ईस्वी। माना जाता है कि सर्वप्रथम पाल शासकों ने लघु चित्र शैली की परंपरा चालू की, पाल शासकों ने, बट इसमें बोला गया है कि कब अधिक फली फूली, तो जो बाद में मुगल शासकों ने इसे प्रारंभ किया, और हुमायूं ने फारस से लघु चित्रकारी में विशेषज्ञ चित्रकारों को वहां से बुलवाया, तो ये हुमायूं से शुरू होके अकबर कालीन में सबसे अधिक फली फूली थी। तो ये हमारा आएगा 9वीं से 19वीं शती ईस्वी। भारत में पहली बार राजा रवि वर्मा ने किसकी स्थापना की? राजा रवि वर्मा फेमस थे उनकी प्रिंटिंग प्रेस और देवी देवताओं के चित्रण के लिए। गाइस तो आर्ट स्कूल बिल्कुल नहीं, प्रिंटिंग प्रेस ही इसका सही आंसर होगा, आर्ट गैलरी तब तक नहीं हुआ करती थी, आर्ट स्टूडियो भी नहीं, यहाँ प्रिंटिंग प्रेस आएगा। और प्रिंटिंग प्रेस में भी आप देख सकते हैं ऑलियोग्राफी प्रेस, लिथोग्राफी प्रेस की उन्होंने स्थापना की थी 1894 में घाटकोपर मुंबई में। सिंधु घाटी वास्तुकला किस सामग्री से बनी है? गाइस सिंधु घाटी जब हम सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ेंगे तो आप देखेंगे वहां पे पक्की ईंटों के जो हमारे मकान थे, जो बिल्डिंग्स थी, वो आर्किटेक्चर्स की वास्तुकला वहां की पक्की हुई ईंटों से प्राप्त हुए हैं, ये साफ उसके अंदर सबसे पहले मेंशन है, तो इसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है। चोलकालीन नटराज मूर्ति किस भंगिमा में है? ये जब सिलेबस मैंने आपको करवाया था तब मैंने वहां पे मेंशन किया था, नटराज मूर्ति अति भंग मुद्रा में है। गाइस अति भंग मुद्रा मतलब जिसमें दो या तीन मुद्राओं से अधिक मुद्राओं का मतलब जो चित्रण है, जो मतलब दिखाया गया है वो हो रहा है, तो वो अति भंग मुद्रा थी। मैंने लास्ट सिलेबस में भी आपको बताया था चालुक्य शासन द्वारा भी चोल शासन में, ये चालुक्य शासन काल में भी बनाई गई थी, किंतु तब यह इतनी उत्कर्ष रूप में नहीं थी, चोल शासन के समय पे ये चरम सीमा पर थी। ये जो कला थी नटराज की, जो मूर्ति थी, वो सबसे मतलब सर्वश्रेष्ठ निकल के जो आई वो चोल काल में निकल कर आई, ये भी एक सवाल बनाया जा सकता है, आपको ये ध्यान रखना है। प्रसिद्ध राजस्थानी लघु चित्र राजा अनिरुद्ध सिंह हाड़ा के चित्रकार का नाम बताइए। गाइस ये भी बिल्कुल एज इट इज सिलेबस उठाया हुआ है, आप ये देख सकते हैं वहां पे जाके। उत्कल सिंह
उत्कल सिंह ने राजा अनिरुद्ध सिंह हाडा का चित्र बनाया था और ये राजस्थान शैली की उपशैली बूंदी शैली के अंतर्गत आता है जो हाड़ाओं की राजधानी भी रही है। राजस्थानी शैली की बूंदी शैली में आता है गाइस। उत्कल सिंह जो कलाकार था, बूंदी शैली का कलाकार था, इसने ये जो चित्र जो बनाया है वो जल रंग टेम्परा में बनाया है। 1680 में ये चित्र का निर्माण किया गया और ये चित्र अभी कहाँ है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है गाइस। हम बात करते हैं अगले सवाल की, किस मुगल शहनशाह के संरक्षण काल में मुगल लघु चित्र शैली के प्रसिद्ध चित्रकार मिस्किन ने कार्य किया। अब यहाँ पर आया है मुगल शैली में मिस्किन नाम का जो चित्रकार था वो किसके अंतर्गत, किस राजा के शासनकाल में आया था, तो यहाँ आएगा अकबर। अकबर का प्रसिद्ध चित्रकारों में मिस्किन भी वहां पर था जो कि पक्षी चित्रकार के रूप में विख्यात था। इसी ने सबसे फेमस जो चित्र था कृष्ण गोवर्धन पर्वत को उठाते हुए, ये मिस्किन द्वारा ही रचित है। साथ ही साथ ये पक्षी चित्र में सर्वश्रेष्ठ था, तो पक्षियों के भी जितने चित्र बने हैं वो भी अकबर काल में वो मिस्किन द्वारा बनाए गए हैं। इसका अन्य एक और जो फेमस चित्र था वो था धोखेबाज पत्नी। गाइस दो चित्र अगर नाम आते हैं तो आपको मिस्किन कलाकार का नाम याद रखना है जो अकबर कालीन था। जिस विख्यात कला समीक्षक ने बंगाल शैली के चित्रों का प्रचार किया उनका नाम बताइए। जिस विख्यात कला समीक्षक ने बंगाल शैली के चित्रों का प्रचार किया, तो गाइस यहाँ पे कला समीक्षक का नाम आया डॉक्टर आनंद केंटिश कुमार स्वामी ने इन चित्रों का प्रचार किया था। किसी भी बोतल का रेखांकन करने के लिए इनमें से किस ज्यामिति आकार का प्रयोग करते हैं। गाइस ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हमारी जो बॉटल है वो आप मानिए अब ये बॉटल है हमारी सिंपल, तो इसके अंदर हमने कौन सा आकार जो है वो यूज किया है। त्रिभुज बिल्कुल भी नहीं, वृत्त बिल्कुल नहीं, वर्ग मतलब चौकोर बिल्कुल नहीं, हमारा वैसे ये आयताकार है। और अगर हम इसको 3D फॉर्म में बोलते हैं तो इसे हम बोलेंगे बेलन, बेलन आकार में एक ज्यामिति और बोतल का रेखांकन किया जाता है। प्रसिद्ध समकालीन आधुनिक भारतीय छापा चित्र देवी किसके द्वारा बनाया गया है। गाइस ये भी सिलेबस से एग्जैक्ट सिलेबस से उठाया गया है। ज्योति भट्ट जिनका नाम था ज्योतिंद्र मनशंक भट्ट। गाइस अभी देख सकते हैं 1934 में भावनगर गुजरात से ज्योति भट्ट हैं। ये एक प्रसिद्ध प्रिंट मेकर थे जिन्होंने छापा चित्र देवी का निर्माण किया। ये छापा चित्रकार थे, प्रसिद्ध प्रिंट मेकर जिन्होंने एचिंग में देवी का निर्माण किया था। चित्र देवी का निर्माण एचिंग द्वारा हुआ था और यह प्रिंट 1975 ईस्वी में बनाया गया था। इंटाग्लियो स्क्रीन प्रिंटिंग, फोटोग्राफी, होलोग्राफी, म्यूरल आदि इत्यादि में इनकी महारत हासिल थी। खजुराहो के अधिकांश मंदिरों का निर्माण किस राजवंश द्वारा किया गया, खजुराहो का चंदेल वंश के द्वारा। खजुराहो का अधिकांश जो मंदिर का निर्माण है वो चंदेल वंश के द्वारा किया गया है। 12वीं सदी के मध्य से अंत तक इसमें अलग अलग शासक हुए, धंग, विद्याधर, यशोवर्मन, मदन वर्मन, इन सब ने थोड़ा थोड़ा उसमें योगदान दिया, बट आखिर के यशोवर्धन और मदन वर्मन के काल में खजुराहो मंदिर का अधिकांश जो भाग है उसका निर्माण किया गया। किस महाराज के शासनकाल में बीकानेरी लघु चित्रों में मुगलिया प्रभाव लुप्त होने लगा और मारवाड़ी शैली का प्रभाव हावी हो गया। गाइस बीकानेर लघु चित्र शैली की बात की गई है यहाँ पे, तो यहाँ पर आएगा गज सिंह। बीकानेर की जो स्थापना थी वो हुई थी 1488 में, राव बीकाजी ने बीकानेर की स्थापना की थी। चित्र शैली का उद्भव उस्ताओ को जाता है। सूक्ष्म रेखांकन व मंद रंग आभास इसकी विशेषताएं रही है। गज सिंह ने इस पे लघु चित्र शैलियों पे मुगलिया प्रभाव को कम होने लगा था उनके समय पे, गज सिंह के समय पे, और मारवाड़ी शैली का प्रभाव हावी होने लगा था। दूसरा क्वेश्चन है प्रसिद्ध शैल उत्कीर्ण त्रिमूर्ति। गाइस ध्यान दीजिएगा इस सिलेबस से आया हुआ क्वेश्चन है, त्रिमूर्ति किस में है। तो गाइस ये एलिफेंटा गुफाओं में है त्रिमूर्ति, वहां पे सिलेबस में मेंशन किया हुआ है। एलिफेंटा गुफाओं महाराष्ट्र में, हमने भी एलिफेंटा की बात की थी। इस त्रिमूर्ति को महेश मूर्ति भी कहते हैं क्योंकि इसमें सेंटर में महेश का जो फेस है वो दिखाया गया है और तीनों फेसेस में इसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों के फेसेस हैं और इनके सिंबल्स के रूप में रूप सृष्टा के रूप में ब्रह्मा, पालनकर्ता के रूप में विष्णु एंड संहारकर्ता के रूप में महेश का वर्णन मिलता है। ये 20 फुट ऊंची एक मूर्ति है जिसमें सिर्फ फेस बना हुआ है। गाइस
मुगल शैली के प्रसिद्ध लघु चित्र, मुगल शैली के प्रसिद्ध लघु चित्र जहांगीर मेडोना का चित्र लिए हुए, गाइस ये भी एग्जैक्ट सिलेबस से उठाया हुआ है, किस चित्रकार के द्वारा बनाया गया था, तो ये था अबुल हसन, ये सिलेबस में एग्जैक्ट दे रखा है। जहांगीर कालीन चित्र है ये, और जहांगीर ने इस अबुल हसन कलाकार को नादिर उज्मा की उपाधि दी थी, नादिर उज्मा की। जहांगीर का सिंहासन रोपण चित्र भी अबुल हसन द्वारा बनाया गया था, जहांगीर का सिंहासन रोपण चित्र जो कि जहांगीर नामा में प्रस्तुत है, ये मैन्युस्क्रिप्ट थी जहांगीर कालीन की, जहांगीर नामा उसमें अंदर अबुल हसन द्वारा जहांगीर का सिंहासन रोपण चित्र बनाया गया है, और जहांगीर मेडोना का चित्र लिए हुए भी अबुल हसन द्वारा बनाया है। किस मुगल शहनशाह के काल में मुगल लघु चित्र शैली छिन्न भिन्न हो गई? गाइस जैसे कि अकबर काल में मुगल शैली की जो लघु चित्र शैली थी वो फली पली, उसी प्रकार किसी एक राजा के अंतर्गत ये छिन्न भिन्न भी हुई, तो वो कौन थे? जैसा कि अगर आपने मुगल शैली को पढ़ा है तो वो औरंगजेब थे, नींव जो थी वो हुमायूं ने रखी थी, अभी हमने पहले भी डिस्कस किया था, जन्मदाता जो थे वो अकबर माने गए हैं क्योंकि उन्हीं के कार्यकाल में ये फली पली, और औरंगजेब ने इसको छिन्न भिन्न कर दिया था। औरंगजेब ने हमारे जितनी भी आर्किटेक्चर और मुगल कालीन कला थी और सब थी उनको नष्ट करने की भी कोशिश की थी, ये सबको पता है। निम्नलिखित में से किस चित्रकार ने हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के पांडाल को सजाने का कार्य किया? नंदलाल बोस। गाइस जब भी अगर आपकी बात आए कांग्रेस अधिवेशन में पांडाल सजा हुई, मंडप सजा हुई, मंच सजा हुई, पोस्टर हुए, हरिपुरा पोस्टर्स हुए, इस तरह का कोई भी सवाल अगर आपके पास आता है तो सीधा सीधा इसका जवाब है नंदलाल बोस। लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन के छात्रों के साथ भारतीय कला प्रदर्शनी उन्होंने की थी। 1937 में फैजपुर कांग्रेस अधिवेशन मंच में तोरण सज्जा भी इन्होंने की थी। 1937 से 38 हरिपुरा पोस्टर पांडाल में साज सज्जा नंदलाल बोस द्वारा करवाई गई थी, और इसकी जो विषय वस्तु रही थी हरिपुरा पोस्टर्स की, जमीन जीतने वाला भारतीय किसान, ये दो भी आपसे परीक्षा में सवाल किए जा सकते हैं। अविंद्रनाथ टैगोर के प्रख्यात शिष्य भी रहे हैं नंदलाल बोस। ये छोटे छोटे पॉइंटर्स है गाइज जो आपको एग्जाम्स में हेल्पफुल हो सकते हैं, इसके आसपास से भी क्वेश्चन आए जा सकते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रसिद्ध मूर्तिशिल्प मात्र देवी किस सामग्री से बनी है? गाइस जब हम सिलेबस पढ़ रहे थे तब मैंने आपको बताया था वहां मात्र देवी मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, और उसके डिटेल्स कि वो किस मटेरियल में प्राप्त हुई है, किस नाप में प्राप्त हुई है, वो कहाँ रखी गई है, ये सब कुछ वहां पे मेंशन है, आप वहां जाके देख सकते हैं। ये जो मृण मूर्ति है मिट्टी से बनी थी, मृण शिल्प हम इसे बोल सकते हैं। मृण शिल्प में मोहनजोदड़ो में और भी बहुत सारे मृण मूर्तियां प्राप्त हुई है हमें, जिसमें से सर हिलाने वाला कुकुदमान, दो तवंगी, वृषभ, हाथी, गैंडा, सुअर, सिलाई पर चलने वाला बंदर, सीटी वाली चिड़िया इत्यादि मरण मूर्तियां हमें वहां से प्राप्त हुई है मात्र देवी के अलावा। विश्व प्रसिद्ध ताजमहल का निर्माण अधिकांशतः किससे किया गया? किससे मतलब मटेरियल। विश्व प्रसिद्ध ताजमहल का सबको पता है कि सफेद संगमरमर से उसका जो निर्माण है, अधिकांश निर्माण है उसमें और भी पत्थर यूज हुए हैं पर अधिकांशतः उसके अंदर सफेद संगमरमर यूज हुआ है। ताजमहल पे मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा अगर आपको ताजमहल के ऊपर स्पेसिफाइड वीडियो चाहिए। ये आगरा में स्थित है गाइस, मकराना मार्बल भी हम इसे कहते हैं। निर्माण जो है शाहजहां ने 1632 से 1653 तक 1553 ईस्वी, मैंने बताया था आपको इसको 20 साल लगे थे, 20,000 कारीगरों द्वारा बनाया गया था, और इसका जो वास्तुकार था वो था उस्ताद अहमद लाहौरी। ये मुमताज की याद में शाहजहां ने बनवाया था। इसका जो आकार है वो वर्गाकार है, ये चौकोर वास्तुकला में आता है जिसकी ऊंचाई है 240 फीट का। इस सर्वश्रेष्ठ स्थापत्य कृति इसको माना गया है, यूनेस्को ने इसको विश्व धरोहर कहा गया है 1983 में, सेवन वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में 2007 में इसको शामिल किया गया है। मुगल शैली ताजमहल में आती है, किंतु इसमें फारसी, तुर्क, भारतीय, इस्लामी सबका मिक्सचर जो है उसकी वास्तुकला में हमें दिखाई देता है। इस्लामी कला का रत्न भी इसको माना गया है। किस काल में प्रसिद्ध शीला काट मूर्तिशिल्प गंगा अवतरण निर्मित हुई? गाइस ये भी आपके सिलेबस में मेंशन किया हुआ है, गंगा अवतरण जो चित्र जो मूर्तिशिल्प है वो महाबलीपुरम से रिलेटेड है, और ये पल्लव काल में फला पला।
पल्लव शासकों ने पहाड़ को काट कर काफी गुफा मंदिर बनाए थे, जिसमें से महाबलीपुरम एक है। प्रवेश स्थान पर गंगा अवतरण का बहुत ही खूबसूरत मूर्ति शिल्प जो उकेरा गया है, रिलीफ वर्क किया हुआ है, आप देख सकते हैं। शैली जो है छाजनपुर वास्तु की मानी गई है। निम्नलिखित में से किसका रूप कलाओं से संबंधित नहीं है? रेखा, मैं आपको पढ़ाऊंगी कि कला के जो तत्व हैं उसमें सबसे पहले रेखा, बिंदु व रेखा ही है। फिर हमारा रंग व वर्ण, अंतराल, हमारी ये सब जो कलाओं का जो तत्व हैं, कला के जो तत्व हैं उसमें आते हैं, बट स्वर हमारा कला के तत्वों में नहीं आता है। रेखा किसे बोलते हैं? दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी होती है वो रेखा होती है। वर्ण होता है हमारा प्रकाश का गुण, अगर उजाल प्रकाश की अस्तित्व में ही हम रंगों का आभास कर सकते हैं, प्रकाश की अनुपस्थिति में हम रंग को नहीं पहचान सकते हैं। अंतराल जो होता है आकृति की बनावट व स्थिति का ज्ञान होता है, मतलब स्पेस जो होता है, अगर किसी स्पेस में कोई आकृति, कोई चीज, कुछ भी नहीं है तो वो ब्लैंक स्पेस है। और अगर किसी चीज में अंतराल को अगर हमें जानना है तो वहां पर कोई एक बिंदु, कोई वस्तु, कोई आकृति का होना बहुत अति आवश्यक है। स्वर जो है जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के या बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से किया जाता है वो स्वर कहलाते हैं। ये भाषा का रूप है इसलिए इसे कला के तत्वों में कंसिडर नहीं किया जाएगा। भारतीय पौराणिक गाथाओं का मनोहारी अंकन नवीन युग के आधुनिक चित्रकार ने किया? भारतीय पौराणिक गाथाओं का मनोहारी, पौराणिक गाथाओं का अगर हम बात करें अमृता शेरगिल की, तो इन्होंने जो वुमेन्स पे था, मतलब जो ट्राइबल वुमेन्स थी, वहां की लोकल जो वुमेन्स थी उनकी स्थितियों पे चित्र बनाए थे। गंगन्ना टैगोर ने और बीसी सन्याल ने भी नहीं। राजा रवि वर्मा इनका सही जवाब होगा। 29 अप्रैल 1848 में केरल में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने महाभारत की महत्वपूर्ण कथाओं का चित्रण किया था, जिसमें से दुष्यंत और शकुंतला, नल और दमयंती इनकी खास चित्रों में से आते हैं। और गाइस करने में पौराणिक गाथाओं का बहुत लोगों ने चित्रण किया था, पर जो चार ऑप्शन हमें यहाँ पे दिए गए हैं वहां पे राजा रवि वर्मा सबसे सर्वप्रथम चित्रकार थे जिन्होंने हमारे भारतीय पौराणिक कथाओं को, देवी देवताओं को अपने चित्रों में अंकित किया था। आप एक वो जो मूवी है रंग रस क्या, उसको राजा रवि वर्मा की लाइफ को अच्छे से समझने के लिए वो मूवी भी देख सकते हैं, वो बहुत अच्छी है। मुझे भी वहीं से राजा रवि वर्मा की पूरी लाइफ जो है वो अच्छे से याद हुई थी। कोणार्क का मंदिर किस भारतीय हिंदू देवता को समर्पित है? तो गाइस कोणार्क का सूर्य मंदिर, अगर आप लोगों ने थोड़ा भी पढ़ा है तो कोणार्क का सूर्य मंदिर ही हम उसमें पढ़ाई करते हैं, तो ये सूर्य भगवान को समर्पित है, जिसे बिरंची नारायण का नाम भी दिया गया है। भारत में ये ओडिशा के पुरी जिले में समुद्र तट पे है। पुरी से ये 35 किलोमीटर दूर स्थित है। पूर्वी गंग वंश के राजा प्रथम नरसिंह देव ने इसे बनवाया था। 1884 में इसको विश्व धरोहर के अंतर्गत शामिल किया गया। और 20 रुपए के नोट के पीछे, गाइस अगर ये करंटली क्वेश्चन आए कि 20 रुपए के नोट के पीछे किसका चित्र बना हुआ है, तो कोणार्क का सूर्य मंदिर का चित्र बना हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। इस कारण सूर्य भगवान की मंदिर होने के कारण इस क्षेत्र को अर्क क्षेत्र, अर्क मतलब सूर्य का पर्यायवाची है, अर्क क्षेत्र या पद्म क्षेत्र भी कहा जाता है। लाल बलुआ पत्थर व काले ग्रेनाइट में इस मंदिर का निर्माण हुआ है, जो कि कलिंग शैली के अंतर्गत आता है। गाइस कोणार्क मंदिर पे हम डिटेल स्टडी करेंगे, मैं इसके लिए अलग से वीडियो डालूंगी। किस राजा के संरक्षण में पहाड़ी लघु चित्र शैली की कांगड़ा उप शैली अपने चरम उत्कर्ष में पराकाष्ठा पर पहुंची? तो गाइस इसका आंसर होगा राजा तुंसारचंद। उनका जन्म हुआ था 1786 से और मृत्यु उनकी 1805 में हुई थी। 1786 से 1805 का जो समय था वो स्वर्णिम समय माना गया है पहाड़ी लघु चित्र शैली के लिए। और पुरखू जो था वो उनका निपुण कलाकार था, जिसने अनेक चित्र उस वक्त बनाए। अन्य चित्रों में बसिया, लक्ष्मण दास, पद्मू, दोखू, गुलाबू राम एक्सेट्रा और भी अन्य कलाकार रहे हैं राजा संसार चंद के टाइम पर। कृष्ण प्रकृति का श्रेष्ठ अंगन इसी कांगड़ा शैली में हुआ है। अब तक में प्रकृति का अगर श्रेष्ठ अंगन पूछा जाए तो कांगड़ा शैली है। प्रसिद्ध अंग्रेजी यात्री मूरक्राफ्ट ने राजा संसार चंद के कला प्रेम का वर्णन किया है। और इस समय पे जो चित्र बने वो कृष्ण राधा के प्रेम का चित्रण जो है अधिक हुआ था। राजस्थानी शैली में भी अगर पूछा जाए तो राधा कृष्ण के प्रेम के चित्रण का अंकन सर्वाधिक देखने को मिलता है। और श्रृंगार प्रधान कृतियां इस शैली की विशेषताएं रही हैं। कलात्मक
कंद्रिया महादेव मंदिर इनमें से किसको समर्पित है? कंद्रिया महादेव मंदिर, गाइस सवाल को अगर हम बहुत ही तसल्ली से आराम से पढ़े तो आधे से ज्यादा सवाल आपको इजी ही लगेंगे, बहुत ज्यादा टफ सिलेबस नहीं है आपका केवीएस का। इसमें आप देख सकते हैं शिव, महादेव मंदिर में किसको समर्पित होगा गाइस? सूर्य, लक्ष्मी या विष्णु को तो नहीं होगा, महादेव में तो शिव का ही होगा। और ये जो मंदिर में शिव की मूर्ति है वो संगमरमर की बनी हुई है। गंडदेव के पुत्र विद्याधर द्वारा 165 ईस्वी में इस मंदिर का निर्माण करवाया गया है। 117 फुट ऊंचा, 117 फिट लंबा और 66 फिट चौड़ा मंदिर का निर्माण है। इसका मतलब ये वर्गाकार, इसकी जो रचना है वर्गाकार है। 900 से भी अधिक रूपों का चित्रण कंद्रिय महादेव मंदिर में शिव भगवान का किया गया है। दिलवाड़ा के जैन मंदिर किससे बने हैं? सबको पता है दिलवाड़ा का जैन मंदिर श्वेत संगमरमर से बना है, मकराना के मार्बल हम कह सकते हैं, मकराना का संगमरमर, मकराना के पत्थर हम कह सकते हैं। सोलंकी चालुक्य शिल्प के समय में ये बना है, चालुक्य शैली, शिल्प कला शैली जो हम कहेंगे चालुक्य शैली के अंतर्गत आता है। राजस्थान राज्य के सिरोही जिले में 400 फुट ऊंचे आबू पर्वत पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर स्थित है। माउंट आबू अगर आप कभी घूमने गए हैं तो वहां पे आप देख सकते हैं दिलवाड़ा का जैन मंदिर बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया हुआ है। श्वेतांबर जैन मंदिर है ये, अगर पूछा जाए जैन धर्म के किस भाग में आता है, जो श्वेतांबर जैन मंदिर और विमल शाही मंदिर जो है वो आदिनाथ भगवान को समर्पित है। यहाँ पे आदिनाथ भगवान और पार्श्वनाथ भगवान के मंदिर अधिक देखे गए हैं। ये मंदिरों में 5 मंदिरों का समूह है जिसमें से विमल शाही और तेजपाल मंदिर का उल्लेख हमें 8 के चैप्टर्स में देखने को मिलता है। महाभारत के संदर्भ में कहा गया है कि साधु वशिष्ठ की जो तपोभूमि थी वो दिलवाड़ा की जो जैन मंदिर की भूमि है वही भूमि थी। प्रसिद्ध समकालीन आधुनिक भारतीय चित्र कश्यप की रचना किसने की? गाइस ये भी हमारे सिलेबस में एज इट इज लिखा हुआ है। एनएस बेंद्रे इसके कलाकार रहे हैं। 19 अगस्त 1910 में इनका जन्म मध्य प्रदेश में इंदौर के जिले में इनका जन्म हुआ। दृश्य चित्रण में इनका जो परीक्षण हुआ है वो गुरु डी देवलीकर के अंतर्गत हुआ है और कश्यप जो है वो भी एक दृश्य चित्रण ही है। किस महाराज के संरक्षण में राजस्थानी लघु चित्र शैली की किशनगढ़ उपशैली अपने चरम उत्कर्ष व पराकाष्ठा पर पहुंची? गाइस यहाँ बात हो रही राजस्थान की उपशैली किशनगढ़ शैली, तो ये आएगा सावन सिंह जो कि बनी ठनी के लिए सुविख्यात है। सावन सिंह के समय में किशनगढ़ शैली सबसे चरम उत्कर्ष पर थी। अपने नागरी दास जो लेखक थे उनकी कविताओं को आधार बनाकर बनी ठनी के रूप सौंदर्य को चित्रित किया था। किसने? निहाल चंद्र ने, मोर ध्वज निहाल चंद्र ने इसके चित्रण किए थे बनी ठनी के। छाया प्रकाश का इसमें जो प्रयोग है वो बखूबी किया गया है और चित्रों में गुलाई दर्शाने के लिए। निम्नलिखित में से प्राथमिक रंग कौन से हैं गाइस? मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था लाल, पीला व नीला, रेड येल्लो एंड ब्लू हमारे प्राइमरी कलर्स होते हैं और इन्हीं सब तीनों से मिलकर हमारे सेकेंडरी कलर बनते हैं। अगर हम बात करें रेड की, रेड प्लस येल्लो ऑरेंज होगा मतलब नारंगी, येल्लो प्लस ब्लू होगा हमारा ग्रीन और वापस हमारा ब्लू प्लस रेड होगा हमारा पर्पल मतलब वॉयलेट। ये हमारे हो जाते हैं सेकेंडरी कलर्स और ये हमारे हैं प्राइमरी कलर्स। ये प्राइमरी कलर्स है और ये सेकेंडरी कलर्स है। चोल काल में ठोस धातु की ढलाई के लिए इनमें से कौन सी विधि उपयोग में लाई गई है गाइस? चोल काल में ठोस धातु की ढलाई के लिए मतलब इसमें आई है मोम निकालने की प्रक्रिया। फाइबर कास्टिंग उस टाइम पे नहीं की जाती थी, टेराकोटा नहीं हुआ है। ठोस धातु की ढलाई की हम बात कर रहे हैं, टेराकोटा मिट्टी के पकाए हुए बर्तनों को कहा जाता है। पटना भी नहीं है, मोम निकालने की प्रक्रिया है लुप्त मोम की प्रक्रिया, लॉस्ट वैक्स प्रोसेस जिसे हम कह सकते हैं। इसमें मधुमक्खी की विशुद्ध मोम का यूज किया जाता था गाइस और मोम को
मोम का प्रतिरूप हाथों से तैयार किया जाता था। पहले मोम से हम मूर्ति बनाते थे, जैसे सपोज आपको मीरा अगरी फेस का स्कल्पचर बनाना है तो कलाकार सबसे पहले मोम लेकर, मोम से वो सॉफ्ट होता था तो उससे पूरी मूर्ति बनाते थे ठोस, फिर उसके ऊपर वो सॉलिड जो धातु है वो डाल दी जाती थी और अंदर से मोम को पिघलाकर उस धातु में से निकाल लिया जाता था। तो ये जो प्रक्रिया है, मोम निकालने की प्रक्रिया है, लुप्त मोम प्रक्रिया, जो कि हमारे पुराने टाइम पर यूज की जाती थी और आज भी ये यूज की जाती है। मुगल लघु चित्र शैली के प्रसिद्ध चित्रकार उस्ताद मंसूर मुगल शहंशाह किसके शासनकाल से संबंध निर्मित रखते हैं? उस्ताद मंसूर की अगर हम बात करें तो वो जहांगीर है और उस्ताद मस्किन की अगर हम बात करें तो वो अकबर था। गाइस जहांगीर कालीन कलाकार थे, उस्ताद मंसूर ये भी पशु पक्षी चित्रण के लिए जाने जाते थे और वनस्पति चित्रण ऑल्सो। मंसूर को जो उपाधि मिली थी, नादिर उर अस्त्र की उपाधि मिली थी जो कि युग का आश्चर्य, वंडर ऑफ एज की उपाधि इनको दी गई थी। बाज पक्षी इनका जो प्रमुख चित्र है वो है बाघ पक्षी, तर की मुर्गो चकोर पक्षी व मोरनी व नीलगाय। बाज पक्षी आपका कलकत्ता संग्रहालय में देखा जा सकता है, मोरनी व नीलगाय आपको मेट्रोपॉलिटन संग्रहालय न्यूयॉर्क में स्थित मिलेगा। सैकड़ों पुष्प रचना का कार्य जहांगीर ने किसको दिया था? उस्ताद मंसूर को दिया था। गाइस उस्ताद मंसूर एक इम्पॉर्टेंट कलाकार है जिसपे आपको अच्छे से स्टडी कर लेनी चाहिए। सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त अधिकांश आभूषण किस सामग्री से बने हुए हैं? पत्थर के मोती। गाइस लकड़ी के मोती बिल्कुल भी नहीं, प्लास्टिक के मोती उस वक्त होते ही नहीं थे, कांच के भी मोती उस वक्त नहीं मिला है, यहाँ पे मिला है पत्थर के मोती। इन पे जो जेवर जो होते थे, जो आभूषण होते थे, उन पे ज्यामिति के अलंकरण किया गया है। बहुमूल्य वस्तुओं और रत्नों से जड़ित आभूषण हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। हड्डी और पकी हुई मिट्टी के भी आभूषण आपको यहाँ देखने को मिल सकते हैं। सोने और मूल्यवान नगों का हार आपको देखने को मिलेगा। तांबे के कड़े व मनके देखने को मिलेंगे। सोने के कुंडल, बूंदे, झुमके, लटकन, बटन आदि आभूषण आपको यहाँ पे मिलेंगे। सिलकड़ी के मनके भी, मतलब पत्थर के मनकों में अगर हम बात करें, पत्थर के मोती में हम अगर बात करें तो सिलकड़ी के मनके हमें आपको देखने को मिला है। और इस यहाँ की एक और खासियत थी कि शवों को गहनों के साथ ही दफनाया जाता था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति मोहर की आकृतियों को दर्शाती है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति मोहर, हम जब सील की बात करेंगे तो पशुपति मोहर जो है वो पशुओं से घिरे हुए योगी या शिव की आकृति को दर्शाते हैं। इसका जो आकार है वो यहाँ की जितनी भी मोहरे हैं उसका आकार आधे इंच से दो इंच की जो मोहरे वो पाई गई है जो कि वर्गाकार और आयताकार आकृति में है। कुछ विद्वान इस मोहर को, पशुपति मोहर को देवी की मूर्ति के, देवी की आकृति बताते हैं, कोई योगी की आकृति बताता है तो कोई शिव की आकृति बताता है। इसका जो समय काल है वो मोहनजोदड़ो का जो समय काल था 2500 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व का समय काल माना जाएगा। मानव आकृति पालती मारकर, आलती पालती मारकर बैठा हुआ है। उसके दाएं और हाथी व बाघ हैं, बाई और गेंडा व भैंस है। नीचे के और 12 सिंगा बनाए हुए हैं, मतलब चारों और पशुओं से घिरा हुआ योगी या शिव की आकृति है। ये इम्पोर्टेंट है गाइस, इसको आप याद कर लीजिएगा। मुगल शैली के चित्रकार अबुल हसन द्वारा बनाए गए लघु चित्र का शीर्षक बताइए। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने एक सवाल में जहांगीर मैडोना का चित्र लिए हुए पे चर्चा की थी जो कि किसके द्वारा था? अबुल हसन द्वारा। गाइस ये भी आपको एग्जैक्ट सिलेबस से मिलेगा। नादिर उल जमा वंडर ऑफ एज की इन्हें उपाधि दी थी जहांगीर ने, और जहांगीर का सिंहासन रोपण चित्र नामक चित्र भी इन्होंने बनाया था। युवा शाहजहां शाह अब्बास से भेंट करते हुए भी चित्र इनके द्वारा बनाया हुआ है। संत जॉन का सूली पे चढ़ना, गाइस संत जॉन का सूली पे चढ़ना अल्बर्ट ड्यूरर का एक चित्र था जिसकी प्रतिलिपि इन्होंने बनाई थी, अबुल हसन ने बनाई उस समय पे वॉश टेक्निक में। राजस्थानी लघु चित्र शैली की किशनगढ़ उपशैली के उत्कृष्ट चित्रों की खोज का श्रेय किसको जाता है? राजस्थानी लघु चित्र शैली की किशनगढ़ उपशैली, इसकी जो खोज थी वो श्रेय जो है वो जाता है प्रोफेसर एरिक डिंकिंसन को, साथ में डॉक्टर फयाज अली, इन दोनों को इसका श्रेय जाता है। किशनगढ़ पेंटिंग के लेखक रहे हैं ये। अलीगढ़ विश्वविद्यालय राजकीय कॉलेज लाहौर में इंग्लिश के प्रोफेसर रहने के बाद 1943 में जब ये मेयो कॉलेज अजमेर के शैक्षणिक भ्रमण पर आए तब इन्होंने किशनगढ़ राजघराने के चित्रों को देखा और उससे प्रभावित होकर इन्होंने किशनगढ़ पेंटिंग पे एक लेख लिखा।
तो इसलिए कहा जा सकता है कि किशनगढ़ उपशैली की उत्कृष्ट चित्रों की जो खोज है उसका श्रेय प्रोफेसर एरिक डिकिंसन को जाता है। मुगल लघु चित्र शैली का उद्भव, जन्म व विकास आरंभ किस काल समय अवधि में हुआ? गाइज ये सवाल वापस से घुमा कर दिया हुआ है, इससे थोड़ी देर पहले हमने इस पर डिस्कस किया था। मुगल लघु चित्र शैली का उद्भव, जन्म व आरंभ किस काल समय में हुआ है? उद्भव जो हुआ है मतलब जब मीर जो डली वो हुमायूं काल में डली 1547 में, मैंने आपको बताया था, तो ये अपने आप हो जाएगा हमारा 16वीं सदी ईस्वी। उस्ताद किस उस्ताद के द्वारा विकसित चित्र शैली राजस्थानी लघु चित्र शैली की बीकानेर उप शैली का प्रमाणक छाप बन गई? बीकानेर उप शैली किसके कौन से चित्रकार था जिसके जिसने बीकानेर उप शैली पे अच्छा काम किया? वो थे रुकनुद्दीन, उस्ताद रुकनुद्दीन थे जिन पे मुगल कला का भी प्रभाव देखा जा सकता है। अब है हमारा ये गाइस अभिकथन, इसमें क्या होगा, आपको दो स्टेटमेंट्स दिए जाएंगे, दो बातें कही जाएंगी, उनमें से हो सकता है एक बात सही हो एक गलत हो, दोनों गलत हो दोनों सही हो, तो वो हमें अब देखना होगा। अवनींद्रनाथ टैगोर ऐसे कलाकार में से थे जिन्होंने भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के लिए भारत माता का चित्र बनाया। बिल्कुल सही बात है गाइस, ये भारत माता भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के प्रतीकात्मक स्वरूप रही, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो दोनों सही है पे हम क्लिक करेंगे। 1905 में बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन से प्रेरित होकर अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता का चित्रांकन किया, जिसमें उन्होंने भारत माता के चार हाथ बताए गाइस, एक हाथ में माला, एक में कपड़ा, दूसरे में पुस्तक और चौथे में गेहूं की बाल उन्होंने उसमें दर्शाई है, और ये वॉश टेक्निक में अवनींद्रनाथ टैगोर ने चित्र बनाया है। हड़प्पा से प्राप्त प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प पुरुष धड़ से किससे बना है, किस मटेरियल से बना है? तो है लाल चूने का पत्थर। ये थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको एक दूसरे क्वेश्चन से रिलेट करके बताया था। इसकी जो ऊंचाई है वो 3.25 इंच है। ओपदार मूर्ति का निर्माण है ये, वहां से जो ये प्राप्त हुई है पुरुष धड़, उस पर पॉलिश मिलती है जो कि हमें मुगल शैली में सर्वाधिक देखने को मिली है, पर ये हमें सिंधु घाटी सभ्यता की हड़प्पा से जो प्राप्त पुरुष धड़ है उस पर भी हमें पॉलिश देखने को मिलती है। इसमें मांसपेशियों का गठन इतना यथार्थवाद है कि तब के आप देख सकते हैं कलाकारों ने कितना उत्कीर्ण काम किया है। इसका भी समय कल वही हड़प्पा का समय कल 2500 ईसा पूर्व 1900 ईसा पूर्व रहा है। ये राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है। दूसरी जो पुरुष धड़ हमें जो मिला था दूसरे वो भी पत्थर का ही है, वो दाढ़ी वाला पुरुष या योगी की प्रतिमा उसे कहा गया है, सेल घड़ी का पत्थर उसके अंदर यूज किया हुआ है। विख्यात कला इतिहासकार और कला समीक्षक आनंद केंटिश कुमार स्वामी, इन्हीं से रिलेटेड एक और अभी सवाल आया था, आनंद कुमार केंटिश कुमार स्वामी को किन चित्रों का प्रवर्तक मतलब अध्येता विद्वान माना जाता है? आप यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, बंगाल चित्र नहीं है, राजस्थानी चित्र है। इनके द्वारा राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक विभाजन किया गया था गाइस, राजपूत पेंटिंग नामक किताब में 1916 में इन्होंने राजस्थानी कला का वैज्ञानिक विभाजन किया था, जिसमें उन्होंने राजस्थानी या राजपूत कला और दूसरे सेक्शन में पहाड़ी अथवा जम्मू कांगड़ा कला को रखा गया है। गर्भगृह की अवधारणा किससे संबंधित है? बौद्ध मंदिर में बिल्कुल नहीं, गिरजाघर में बिल्कुल नहीं और मस्जिद में भी नहीं। यह गर्भगृह की जो अवधारणा है वो हिंदू मंदिर से ली गई है। मुख्य जो कक्ष होता है गाइस, आपने जितने भी मंदिर देखे होंगे हमेशा आप देखेंगे हिंदू मंदिरों में एक प्रांगण होता है, प्रांगण के बाद एक परिक्रमा गृह होता है, परिक्रमा गृह के बाद प्रदक्षिणा पथ के बाद उसके भी अंदर एक गर्भगृह होता है जहाँ पे भगवान जी की मूर्ति रखी हुई होती है, उसे ही हम गर्भगृह कहते हैं। और ये हिंदू धर्म के मंदिरों में आपको सर्वाधिक देखने को मिलेगा। इसके अंदर तीनों ओर से दीवारें होती हैं, मतलब एक बक्सा नुमा एक जो स्थापत्य है इसका होता है वास्तुकला, और सामने जहाँ भगवान का फेस है सामने की ओर जहाँ से हम दर्शन करते हैं वहां पर वो ओपन होता है, वहां से प्रवेश द्वार होता है जहाँ से पंडितों या पुजारियों को अनुमति होती है अंदर जाके पूजा करने की, तो वह गर्भगृह होता है। कोणार्क स्थित प्रसिद्ध सूर्य मंदिर वर्तमान किस राज्य में है? ये अभी थोड़ी देर पहले कोणार्क का जब सूर्य मंदिर हमने डिस्कस किया था वहां पे मैंने काफी सारे डिटेल्स आपको बताई थी, वो ओडिशा में स्थित है। गाइज अभी के लिए ये 50 सवाल पहले भाग में मैंने आप लोगों के लिए डाले हैं, अगर आपको आगे के 50 और सवाल देखने हैं तो आप मेरा पार्ट 2 इस पेपर का देख सकते हैं।
ये वीडियो बहुत अधिक लंबी ना हो इसलिए इसका मैंने ध्यान रखा है। मैंने बाकी सारे सवाल पार्ट टू में डाले हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिया है, आप वहां जाकर उसे क्लिक करके देख सकते हैं। अगर आपको इसका डिटेल सिलेबस देखना है तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। इस सब्जेक्ट से रिलेटेड प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, आप उस प्लेलिस्ट पर जाकर भी अन्य जितने भी लिंक्स हैं उससे आप गो थ्रू कर सकते हैं। आई होप आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो, और अगर आपको ये अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा अगर आपको और कोई टॉपिक इससे रिलेटेड डिटेल में जानना है तो मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूँगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट गाइस।